अच्छा भैया मुझे ये बताओ, आप प्री हीट क्यों करते पिज्ज़ा? आपको पिज्ज़ा बनाना नहीं आता, पहले प्री हीट करने लग जाते हैं उसको। तो कितने बजे आते हैं हम, टाइमिंग क्या रहती है आपकी आने की? सुबह भाई 4 बजे। सुबह 4 बजे आते हैं यहाँ पर। हाँ जी दोस्तों, सर्दियों का सीजन आ गया भाई साहब। सर्दियों में अगर कोई गर्मा गर्म चीज़ मिल जाए तो वो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। और जनाब हमने एक दुकान ढूंढ निकाली है, चलती फिरती काट है और बहुत ही लजीज पिज़्ज़ा मिलते हैं यहाँ पर। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। ओहो बहुत स्लो स्लो आवाज आ रही है। कुछ खाना नहीं खाया या पिज़्ज़ा नहीं खाया आपने? कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया तो आज फास्ट रखा हुआ आपने? व्रत है भाई, सोमवार का। सोमवार का फास्ट रखा हुआ है? हाँ जी। भगवान को थोड़ी भूल जाएगा यार बंदा। हाँ भगवान को नहीं भूलेंगे। तो आपने काट का नाम भी महाकाल रखा हुआ, महाकाल के भक्त हैं आप? हाँ भाई। हाँ जी। क्या बात है जी। खाने में क्या क्या रहता है आपके पास ये बताइए? पिज्जा होता है भाई, कल्ला पिज्जा होता है। कौन कौन से टाइप के? सारे हैं भाई मेन्यू। भाई ओनियन होता है, डबल चीज होता है, मार्गरेटा होता है, ब्लैक ओलिव होता है, स्पेशल होता है ना। अच्छा जी, तो एक कंसेप्ट ये चलता फिरता जो आपने स्ट्रीट स्टाइल में मतलब खोलने का सोचा कैसे? भाई अपना फैमिली बिजनेस ही यही है। फैमिली बिजनेस है? हाँ जी। हाँ जी। तो कितने कार्ड चलते हैं इंडिया में आपके फिर? ये इंडिया में नहीं भाई, हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा में चलते हैं? हाँ जी। क्या बात है। तो हरियाणा वाले अब मोहाली में दीवानगी फुला रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी भाई। कितने हरियाणा में आपके कार्ड? 4-5। 4-5 फिर आप मोहाली में चला रहे हैं? हाँ जी। अरे कौन सा पिज्जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम? स्पेशल है भाई, अंदर लगा हुआ है। स्पेशल पिज्जा क्या क्या रहता है इसमें? ओनियन, कैप्सिकम, कॉर्न, ओलिव। अच्छा जी। डबल चीज। तो ये सारे मटेरियल रखे हुए हैं आपने? ओनियन, जेली पोनर, रेड पेपरिका, ग्रीन ओलिव, ब्लैक ओलिव। ओके क्या बात है। तो कितने मतलब एक दिन में कितना पिज्जा बना लेते हैं आप? भाई कोई क्वांटिटी नहीं है भाई, कोई अंदाजा नहीं है। 1.5-2 लाख? नहीं भाई बता दो। चलो कोई नहीं। तो ये गर्मा गर्म पिज्जा रहता है भाई, ये कैसे रहता है? ओवन गैस वाला रहता है कैसे? हाँ, इलेक्ट्रिक है? गैस वाला। तो ये दोनों पिज्जा जो आपने बनाए कौन से वाला है? ये भाई दोनों स्पेशल है। दोनों स्पेशल है? हाँ जी। तो ज्यादा डिमांड लोगों की स्पेशल की रहती है? हाँ जी। हाँ जी। क्या बात है। स्पेशल डबल चीज। और ये चीज कौन सी डालते हैं अब? मोज़रेला। मोज़रेला ये कौन से वाला? ये भाई डिलक्स वाली है। डिलक्स। इसका प्राइस क्या रहता है? इसका 90 होता है भाई, डबल चीज 100 होता है। ये लो भाई साहब, ये तैयार हो रहा है। अच्छा क्या बात है भाई साहब, गर्मा गर्म स्लॉटर लगते रहते हैं, निकलते रहते हैं। ये बटर लगा रहे हैं इसके ऊपर? हाँ जी। हाँ जी। ये लो भाई साहब। तो कितना टाइम लग जाता है कुक होने के लिए? एक पिज़्ज़े के लिए भाई 5 मिनट लगते हैं बस। 5-10 मिनट में? हाँ जी। हाँ जी। ये लो भाई साहब। तो कितने बजे आते हैं हम, टाइमिंग क्या रहती है आपकी आने की? सुबह भाई 4 बजे से। सुबह 4 बजे आते हैं यहाँ पर? शाम को 4 बजे भाई। शाम को 4 बजे आते हैं। ओ भाई साहब। और ये पनीर डालेंगे? ये आपका यही स्पेशल पिज़्ज़ा है ना जिसमें सारा मतलब आता है A to Z? वेजिटेबल्स आ जाएंगी, पनीर आ जाएगा। अच्छा भैया ये बताइए ये नूडल्स क्यों डाल रहे हैं इसके ऊपर? भाई चीज़ है ये, नूडल चीज़ है। नूडल नहीं है भाई साहब, ये नूडल्स लग रहे हैं। आप तो चीज़ की कोई कमी नहीं रखते हैं? नहीं नहीं भाई। फैक्ट्री फैक्ट्री है क्या आपकी चीज़ की? भाई लोगों की तो है ही। लोगों की है पर आप फिर आपको बचत हो जाती है, इतनी सारी ढेर सारी चीज़ डाल रहे हैं, परवाह नहीं करते बिल्कुल भी ना भाई। हाँ जी। नहीं परवाह क्या करना, काम करना है तो भाई। नहीं कमाई हो जाती है कि सेवा ही कर रहे हैं फिर? भाई कमाई कर रहे हैं, सेवा क्यों करेंगे। क्या बात है भाई साहब। फैमिली बिजनेस है तो आपने कोई स्टडी स्टडी भी करी थी कि डायरेक्टली आपने? भाई बस स्टडी नहीं, 10th पास है बस। मेहनत करते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो ना। बिल्कुल। क्या बात है। और पिज्जा बनाना किसे सीखा था आपने? भाई फैमिली बिजनेस ही यही है। नहीं फैमिली बिजनेस तो है पर बनाना तो सिखाया होगा किसी ने? भाई ने, मदर ने, फादर भाई ने, ने भाई ने भाई ने बड़े भाई ने। हाँ जी। ओ भाई साहब। तो बड़े भाई जादू फुला रहे, दीवानगी फुला रहे हरियाणा में और आप यहाँ पर है ना। अच्छा भाजी हमें कौन सा आप पिज़्ज़ा खिलाओगे, कौन सा बेस्ट आपका जो मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट सेलिंग आइटम है जो आपकी? भाई अपना स्पेशल है पिज़्ज़ा किंग, स्पेशल। स्पेशल पिज़्ज़ा? हाँ जी। हाँ जी। तो स्क्रैच से बनाएंगे, पूरा न्यू है। चलो बना के दिखाइए एक बारी स्पेशल पिज़्ज़ा अपना। और प्राइस क्या रहता है इसका स्पेशल पिज़्ज़ा का? स्मॉल 150 है, लार्ज 250 है। ओके। सबसे पहले बेस आप इसको गर्म करने के लिए, हीट अप करने के लिए रख देते हैं? हाँ जी। हाँ जी। कितना मिनट तक प्री हीट करते हैं आप इसको? 1 मिनट। 1 मिनट तक। अच्छा भैया मुझे ये बताओ आप प्री हीट क्यों करते हैं पिज़्ज़ा? आपको पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता, पहले प्री हीट करने लग जाते हैं उसको। भाई यार अब ये कौन सी सॉस लगा रहे हैं आप? टॉपिंग है भैया। टॉपिंग। वेजिटेबल्स की बारी आ जाएगी। ये प्याज आ गया जनाब, ये स्पेशल में सारी वेजिटेबल्स आएंगी ना? हाँ जी। हाँ जी। मेयोनीज आ गई। चीज़ है भाई, चीज़ है। नूडल्स वाली चीज़ भाई साहब, देखो नूडल्स बना दिए। ये लो भाई साहब भर भर कर चीज़ आ गई। चीज़ में कोई कमी नहीं है ना? स्पेशल किस चीज़ का भाई, कमी होगी? क्या बात है भाजी कह रहे स्पेशल किस चीज़ का, जब चीज़ ही भर के नहीं डाली ना। प्राइस क्या रहता है फिर इस चीज़ का? हाँ जी भाई। क्या प्राइस है इसका? 450। 450। कैप्सिकम आ गए, कॉर्न आ गए, रेड पेपरिका, ओलिव्स आ गए, बस ग्रीन ओलिव्स।
अभी ये कितना टाइम लगेगा इसको पकने? 5 से 10 मिनट? हाँ जी, 5 से 10। 5 से 10 मिनट लगे ना। चलो छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं भाई साहब, 5 से 10 मिनट के बाद। टिंग टोंग। ये लो भाई साहब, पनीर की बारी आ गई। ब्रश से इन्होंने मालिश करी थी बटर की। बटर भी लगाते ना आप उसके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। अब पनीर लगाने के बाद कितने मिनट पकाएंगे आप इसको? 2 मिनट भाई। 2 मिनट हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके बाद फिर इसकी लेयरिंग हो रही है ना? ओ भाई साहब, चीज़ से 2 लेयर चीज़ की आ गई है ना, लिक्विड चीज़ है। एक और चीज़ के बाद मायो डाल देंगे। फिर 20 मिनट के लिए जाएगा? है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए, क्या बात है। 2 मिनट बाद अब पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा हमारा। और ये गैनो आ गए, होममेड रहता है गैनो? नहीं नहीं भाई, बाहर से। क्या बात है, बन गया एक्स्ट्रा चीज़ वाला स्पेशल पिज़्ज़ा हमारा ना। ओ भाई साहब, और लोकेशन बता दो खाने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? मटोर सेक्टर 70। मटोर सेक्टर 70। क्या बात है, दे दो मेरे दोस्तों को।